ईद बस दो दिन की दूरी पर आवाम ने सस्ते दामों अच्छा जानवर खरीदने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में वीकेंड पर आवाम का रश, कोई बकरों की तलाश में तो कोई बैल की, कोई गाय की कुर्बानी के लिए बेचैन तो किसी की ऊंट पर नजरें। शहरियों का आज ही जानवर घर ले जाने का मिशन जारी, भाव ताव और तू तकार। व्यापारी कहते हैं कि शहरियों को तगड़ा जानवर भी चाहिए और पैसे भी कम हो। जानवर खरीदने के बाद दूसरा मरहला उन्हें सजाने संवारने का है। कुर्बानी के जानवर के लिए रंग रंग सजावट के काम का कारोबार चमक उठा। शहरियों को सस्ते कसाई की भी तलाश, छुरियों और दीगर औजार तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। नाश्ते में दूध, दोपहर को चारा और रात को चना, जौ और मकई खाता है, ये है पेशावर का सुल्तान। बैल के 27 लाख लग चुके मगर मालिक बेचने को राजी नहीं, कहता है खुद कुर्बानी करेंगे। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में सफेद और काले रंग के बैल शेरू की धूम। मालिक का कहना है कि शेरू घर का पला है इसलिए कीमत ज्यादा है। कमालिया की सफेद चांदनी, गाय की खूबसूरती के चर्चे, दूर दराज से लोग 20 मन चांदनी को देखने आ पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। ग्रुप ए से भारत के साथ अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब इतवार को आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाजुली होगी, कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस यकुम जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आज से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऐलान, पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 14 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर होगी। यकुम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी चीज़ों के दाम भी नीचे लाने के लिए इकदाम का मुतालबा। नेप्रा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा माली साल यकुम जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। नेप्रा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। खिताब मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस दफा का बजट गुज़श्ता बजट से 34% ज्यादा है। बजट अहदाफ को हासिल करेंगे, अगले साल मजीद ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है कि GDP के हवाले से विफाक के साथ तावुन करें, शरह नमो का हदफ पूरा नहीं कर सके। अगले माली साल 3.5% की शरह नमो का हदफ मुश्किल लगता है, शरह नमो का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि मुश्किल हालात में बजट बनाया गया, निगरा हुकूमत के बजट में शामिल तरक्याती स्कीमें बंद करने से सुस्त रवि हुई, बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का 1 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफे की तजवीज़, कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। बजट में तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब रुपये मुख्तस, 100 से 3,000 CC की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद, टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक होगा। सूबे का तरक्याती बजट 969 अरब रुपये होगा। आइंदा माली साल में विफाक से 1900 अरब रुपये मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपये होने का तखमीना है। महमूद अचकज़ई की सबराही में ऑपोजिशन अलायंस का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया।
असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में शामिल जमातों में से एक एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद अचकज़ई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिलेंगे। महमूद खान अचकज़ई ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के तहत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा CTT इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। पुलिस की मुतायत में थाना कोसार में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में इकदाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहरीन ने एहलकार से आंसू गेंद छीनी, धक्कुम पेल की। मुजाहरीन ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी, एक एहलकार से टियर छीनी। मुजाहरीन ने रास्ता ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद कर दी। शुरका ने दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज सुन ले, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। PTI खवातीन हर अजियत का डटकर मुकाबला कर रही हैं, मगर आप नहीं कर सकेंगी। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम। कहा, मरियम नवाज PTI खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर पुलिस वैन में घुमाया जा रहा है। तपती धूप में वैन घंटों खड़ी करके सनम जावेद को अजियत दी जाती है। जमानतें मिलने के बावजूद PTI की खवातीन को रिहा नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में रात गए लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जांबहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया, वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर दी। होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर आउटडोर सर्विस मुअत्तल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर्स और नर्सेज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। कांगड़ में वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का इल्ज़ाम है कि वडेरे ने पहले अपने मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया और इसके बाद तेज़ धार आले से ऊंट की टांग भी काट दी। ऊंट के मालिक का प्रेस क्लब सांगड़ में एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कराची के इलाके गुलबर्ग चुरंगी पर बकरों के मस्नूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी जेर हिरासत। जानवरों के दांत पूरे करने के लिए प्लास्टिक के दांत बनाए गए थे। पुलिस ने जाली दांत लगाकर बकरे बेचने वाले मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। 7 बकरे भी समनाबाद थाने पहुंचा दिए। व्यापारियों का दावा है कि वो हैदराबाद से जानवर बेचने कराची आए थे, दांत मस्नूई होने का इल्म नहीं था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतलिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अब तक मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 46, लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 44, पेशावर में 42 और कराची और कोटा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोहियानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मखमसा हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है।
और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखें प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फौज की गजा सिटी और शुजाइया पर बमबारी से खवातीन बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलबुरेज बनाकुजीन कैंप पर बमबारी, 3 खवातीन और 1 बच्चा शहीद हो गया। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फलस्तीनी ग्रुप्स की जानिब से शदीद मजाहमत का सामना। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने नुसेरात कैंप में यरगमालियों की बाजियाबी के लिए इसराइल के फौजी ऑपरेशन के लिए इमदादी ट्रक इस्तेमाल को जंगी जुर्म करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों का शहरी लिबास पहनकर वस्ती गजा में नुसेरात ऑपरेशन करना कानून के मुताबिक सख्ती से ममनू। रफा में इसराइली फौज की बर्बरियत, फलस्तीनियों के घरों पर कब्जे के बाद इनमें तोड़ फोड़ को खेल बना लिया। इसराइली फौज ने रफा में फलस्तीनियों के मकानात पर कब्जा करने के बाद उन्हें तबाह करते हुए वीडियो बनाई, उसे सोशल मीडिया पर गजा में तजीन और आराइश के उनवान के साथ पोस्ट कर दिया। बैटर इमरान नज़ीर ने कहा है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी नहीं। ओपनर इमामुल हक ने कहा कि सबको देखना होगा कि क्यों बुरी परफॉर्मेंस रही, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम हारना मनाहे में गुफ्तगू। जियो फिल्म्स की पेशकश, मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म दी ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल के फिल्मबीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म दी ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाओं की जीनत बनेगी। The Donkey King is back. सारे बाबा डैडी अबू पापा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे, डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज पर। और मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिजाह निगार इब्ने इंशा के मद्दाह आज उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं।